दिल कहता है कि थोड़ी लंबी बात करना, मगर मुझे एक टर्न क्या कर रहा था कि तुम ये ना कहो गौर से टाइप सर्दी शुरू कर दी, मौत से टाइप दिमाग लंबी शुरू कर दी है। अगर से लंबी दिमाग करता कुछ होते तो मौत क्यों रहती, फिर तुम तो शहीद करते और शौक भी बना था मुझे लंबी दिमाग का। लेकिन मैं चाहता कि आश्रम पर दाग रह जाएगा तो बाबू तो दिमागे बहुत लंबी ज्यादा रहती है। मैं पढ़ने जरूर जाता था और मैंने पढ़ी, लेकिन दिल मेरा ये था कि मैं लंबी पढ़ता। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में ये सोच देना कि मैं मौत से ला गया हूं फिर तो मैं लंबी पढ़ता, लेकिन मैं ये साबित करने के लिए कि शराब देश के अंदर में कुछ ऐसी बस्ती है कि जान लेकर ये दो रूप मिल जाए तो सस्त है। इसलिए मैं निभा लंबी नहीं की कि मैं ये सारे लोगों को बहुत अच्छा है, मैं मुझे बहुत पैसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं। इस बात से मैंने मुख्य रखी है ये बातचीत करते खुदा के अल्लाह का नाम ने की हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र किया। इसके बाद से खुदा ने कहा अहसिहिम मारा, ऐसे जितने मेरे इर्द गिर्द खड़े सबको मिल गए, मतलब यह देख रहे कि मैं मेरे दीन की खातिर और यह मेरे दीन के दुश्मन और मुझे शहीद करने लगे हैं और इन्होंने जो अस्त्र में इस्तेमाल किए मैं इस्तेमाल कर रहा, मैंने दीन नहीं बदला, मैं अपने नबी इस्लाम की गुलामी नहीं दुनिया में जा रहा हूं। ये कहने के बाद उन्होंने ये शेर पढ़ा वरस्त तो कुमारी वरस्त तो मंगवाली ही नो मुस्लिम शिव इनका रविंद्र सही नीचे गिरूंगा तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं किस जान गिरता हूं, डर जान गिरता हूं या बड़े जान। जिस वक्त तुम मेरा सर मेरे बदल से उतारते हो, मतलब यह है कि आपकी इस हालत की बेनियादी में कि मुझे ना भ्रम है ना परवाह है ना दर्द है ना ही है कुछ नरमी रखना कुछ ये करना कुछ वो करना, पर मैं जिस तरह से भी गिरूंगा मैं आपके लिए गिरूंगा, जिस अंदाज में भी गिरूंगा मैं अल्लाह के दूर के लिए गिरूंगा। यह शहादत है नजर बढ़ रही है और नजर के बाद करना भी बढ़ रही है और फिर इसके साथ ही तलाक करती है उनका सर तन से जुड़ा हो जाता है। इब्ने हारिस पुलिस की बहन ने खर्चा महसूस किया था कि ये कत्ल कर देंगे मेरे बेटे को, उसने इब्ने हारिस ने हजरत कुरान के अल्लाह का अनुरोध शेख किया। इमाम बुखारी भाई दोबारा कहते हैं जो उसूल के लिहाज एक पूरे सिलेबस की हैसियत रखता, ये सही बुखारी शरीफ के इस मकाम पर कैसे पकड़ना पूरा कौन हुआ सबका वक्त है। हजरत कुबैर वो पहले मुसलमान हैं जिन्होंने वक्त शहादत दो रकत पढ़ने की सुन्नत बनाई थी। ये इमाम बुखारी तो सिर्फ हदीस नहीं जिक्र करते, हदीस इस्तेदलाल भी करते हैं, नतीजा भी निकालते हैं, आकाम और साहित्य वो भी जिक्र करते हैं। तो इमाम बुखारी ने यह नहीं कहा खुबैर पहले मिलती है माता के लिए जिन्होंने वक्त शहादत इमाम खुद गाई थी। इमाम बुखारी कहते हैं मन सन्ना जिन्होंने बिदअती बनाई सुन्नत बनाई है कौन पहले, यानी इनसे पहले इमाम बुखारी कहते हैं लोग शहीद होते रहे लेकिन किसी ने वक्त शहादत दो रकत पढ़ने का इंतजाम नहीं किया। फकाना खुबैर अफारा काना खुबैर हुआ संदर रखा है हजरत खुबैर ही है जिन्होंने वक्त शहादत दो रकत निमाज नजर की बुनियाद रखी। अब पता चलेगा कि शहादत के वक्त दो रकत पढ़ना जो उस वक्त कराया हुआ इमाम बुखारी के बकौल बात से जारी रहा एक काम था नया और नया कौन सा दीन में और दीन में कौन सा निमाज की आयत में जिसके बारे में कोई आयत कुरान गुजार नहीं आई थी, कैसे जो कहा किसी सूरत में किसी पारे में किसी आयत में एक कदम भी उतारा
शहीद होने लगे, तुम मुझे दो सजदे दो रखते, ऐसे ही बाकी फिर दुनिया से जा रहा। कुरान में नहीं तो क्या है, इस्लाम के कुरान में है, लाखों हदीस है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सलाम की, जहां तक रसाई हो सकी हमारी भी और इमाम बुखारी की भी अपनी ताकी खुद के मुताबिक। इमाम बुखारी अपने बारे में कह रहे हैं जिन्होंने लाखों हदीसें याद की, वो कहते हैं कि ये सुन्नत बताई है तो अपने गुनाह में मुताबिक है। अगर सरकार ने फरमा तो फिर तो सुन्नत रसूल होगी, किसी हदीस में रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि जब वक्त जाने वाला है तो दो रकअतें पढ़ लेना नफल। अब न कुरान में है और ना नबी इस्लाम के फरमान में है, और इसके बावजूद अमल साले है, इसके बावजूद उस पर बैठने सुन्नत है, इसके बावजूद वो कौले और बोलने से हाथी है, पहले चालीस मांगी तो मुझे कौन था, फिर पढ़ के दिखाए तो कौन बन गया। अब उसके बाद इमाम बुखारी का मतलब है इसको जिक्र करते हुए जिक्र कैसे किया, कहते हैं हुआ सन रकअतैनि लिकुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन, कहते थे हुमैद ने अपने लिए भी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए वक्त शहादत दो सुन्नत करने का हुक्म दिया है। इमाम बुखारी का उसूल देखो। अब यहां पर जो आज हमसे टक्कर लेते हैं और बिल्कुल की तोड़ है, मेरे पास उस इस अमन जैसुल बराब के इन किताबों के अंदर दर्जनों हवाले मौजूद है, दर्जनों किताबों के अंदर बताने को एक गरीब रिवायत हुई कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हो कि वक्त शहादत दो रकत कदर को जहां गरीब भी नहीं है, जरूरी रिवायत भी नहीं है, आपके सामने हदीस का नंबर बता के चेक कर लेना 3045 हदीस नंबर है, बाब नंबर 170 है, ये जो बैरूत का छपा हुआ खाता है जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 744 है, ये हदीस शरीफ के आधार है। काना उबैद हुआ सन नंबर का कहीं लिकुल इम्रिइन मुस्लिम कुतिला सवा असीरा, पहले से उबैद के वहां का नाम है जिन्होंने ये तरीका बनाया के अंदर नया पूरी निवाजी डाली, और इमाम बुखारी का नजरिया क्या है वो जाते हुए को बिल्कुल नहीं समझते, हाथे कुमार को सुन नहीं समझते हैं, लेकिन संगा वो सुनने का है, और फिर उनका मामला कौन कर रहा, वो जितू लेने में क्या आता के लिए जो मेरे काम करेगा बिल्कुल वो नहीं होगा, मैं कौन सुनू होगा। हालांकि आयत भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, सरकार का प्रमाण भी नहीं है, जमीन का फैसला नहीं है, एक शहादी अल्लाहों का अद्भुत का अमल है, अपने शहादत चलो इतना हो जाता कि मान तो गाली तो उनकी हिमायत कर देते हैं, उन्होंने साथ क्या कर दिया, लेकिन वो तो कहते हैं सन नाता का है जो कुल नहीं मिली मुस्लिम कोटे का सदा क्या मतलब के लिए जिस मुसलमान को भी यूं कैद करके बांध के शहीद किया जाएगा उसे चाहिए कि वक्त जाकर दुश्मनों से कहे मुझे दो रकत बांध दे दो, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे कही थी आराधु ने किया था। इस बात से इन लोगों को विदेश की तारीफ नहीं पता है, आदमी बात जो तुमसे झगड़ के हो जाते तुम कहते हो कि नई बात विदत है, कभी लौटी कभी विदत है, पूरा भी विदत, वो कहता नहीं दीन के अंदर नहीं बात, तुम खबर हो जाते हो कि ये लाउड स्पीकर तो दीन के अंदर नहीं है, अब ये तो दीन के अंदर है निवास और ये दीन का सुतून है, लेकिन बिदत क्यों नहीं है कि बिदत तब बनती है जब ऊपर कोई उसूल पैदा ना हो, ऊपर कोई असर ना हो बिदत की, फिर दीन में नई बात में नजर है, इनकी तारीफ फिर जरूरी है, अगर पूरी है तो हमारे पास है जरूरी है, क्योंकि ऊपर कुरान आयत है सब पे बिस्मिल्लाह, वो कानून जो हमारा कानून है
सुबह करो या शाम करो या 12 बजे करो, कोई एक चीज फिक्र नहीं है कि फलाम काम के बाद पढ़ो, लगातार करो तो फिर पढ़ो, आज कर लो तो फिर पढ़ो, नहीं शर्त है मुझे कल पढ़ो। तो आज जिस इतिहास पर हम पढ़ते हैं ये है ओबेक्यू मजहब। उन्होंने देखा कि जब राम फरमाता है कि मेरा जी क्या करो, मुझे सजदा करो, बस तू सजदा करो। आज उसने कोई मुअय्यन नहीं किया कि 5 बजे करो 10 बजे करो, वो जो फर्ज है वो पता क्या होगा, लेकिन जो नफल है वो तो जब भी मकरू कहती हो तो कर लिया जाएगा। बिदअतपंथी जब ऊपर असल दीन के उमूम की न होती फिर जो नया काम बना लेता वो बिदअत बन जाता। हजरत खुबैर ने दो सुन्नतें बना दी और दो रकतें जिनको इमाम बुखारी सुन्नत कह रहे हैं और अपने लिए नहीं, इमाम बुखारी कहते सब के लिए है, सब के लिए है, है सुन्नत और सब के लिए है। अगर ये सरकार ने नहीं बनाई, सरकार के साथी से चल पड़ी है तो फिर भी उसको सुन्नत कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। इस बुनियाद पर ये उसूल सामने रखो तो इन लोगों की चोरी हर जगह से पकड़ी जाएगी। जहां जहां इन्होंने खाना साल तारीख तक की शरीयत में बिगाड़ किया हुआ है और जो बिदत नहीं उसको भी बिदत कहते हैं, यानी बिदत सही आकार देकर उसकी वजह से आगे जहन्नम में धकेलने के लिए सफाशे करते फिर रहे हैं। उधर तो ये पता चल रहा है कि ये जहन्नम का रास्ता नहीं, ये सुन्नत तो हजरत खुदा का रास्ता है। इस प्रयास पर अब देखो इन लोगों ने अगर झगड़ा करना ही है दलील के साथ शौक पूरा करें अपना। आज लैलतुल फराज पे जो बसें खरीद आती है लोग काम करते हैं और इनको बिदत के फतवे याद आ जाते हैं और फिर हदीस के लिहाज से मौजू का झूठ बोलते हैं और इसके बाद जो हैसियत है किताबों के अंदर इस दलील के ग्रहण की उसके लिहाज से ये काम जो आज का सुन्नी कर रहा है आज का मुसलमान, इस तरह की जुजवी दलील तो हजरत खुबैर के पास मौजूद नहीं थी। उनके पास उमू की दलील, इतिहास की दलील कि हमें मुतकल कहा हुआ तो जब भी नबर पड़ेंगे तो लाभ को शरीफ होंगे। उन्होंने वो नबर पढ़ लिए। इस रात के बारे में तो हदीसें भी है, ऐसे तो हर रात पढ़े जाते हैं लेकिन ये किस रात की तो हदीसें भी है और उधर कोई हदीस नहीं थी जुदा, कोई ऐसा नहीं थी जुदा। इसके बावजूद हुआ लेकिन क्योंकि ऊपर हुक्म की तलाश वाला था, हुक्म कानून वाला था, हजरत खुबैर उस अमल को इमाम बुखारी जैसा इंसान जो बिदतों का कातिल और सुन्नत का दाई है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा सन्न रकतैन, इन्होंने बिदत का रास्ता नहीं बनाया सुन्नत का रास्ता खोल दिया है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है मन सन्न सुन्नत हसनतन फलहू अजरुहा, जिसने किसी अच्छा काम उम्मत में शुरू किया सन्न सुन्नत हसनतन अच्छा तरीका राय किया फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा, उसके लिए उसका अजर होगा और जो बाद वाले हैं उनको भी इससे जो काम करेंगे तो बाद वालों के काम से भी इसको कोटा मिलता रहेगा। ऐसे जिसने बुरा काम शुरू किया उसको बुराई का हिस्सा मिलेगा, जिसने नेक काम शुरू किया नेकी का हिस्सा मिलेगा। अब यहां पर हजरत खुबैर ने नेकी का काम शुरू कर दिया, वक्त शहादत दो रकतें पढ़ी तो इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके काम की तस्दीक भी की, ताईद भी की और साथ तकलीफ का हुक्म भी दिया। मुतलकन उनकी बात करते थे कहते खुबैर है जो पहले मतवाजे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बिदत नहीं है ऐसा जिक्र कर देते, फिर हजरत खुबैर है जिन्होंने पहली मतवा काम किया लेकिन काम का उन्होंने सुन्नत द्वारा किया और किया अपने लिए नहीं फरमाए कुल मेरे मुस्लिम जहां की दुनिया में कोई मुसलमान उसकी ऐसी हालत आ जाए तो उसे हजरत खुबैर वाला काम जरूर करना चाहिए। इस बात से जो कारण है असल दीन तरीका है और दलील देने का अंदाज है अल्लाह ताला इसके जो हाथ है वो पूरा करने की है जिनको पता ही है कि रात रोने की है मिलने की रात नहीं, वो बेचारे ये लाभ उनके हैं शैतान के हाथों पर तय लगा के बैठे और पटाखे चलाए जा रहे हैं उधर जिंदगी भर रहे हैं वो कपड़ों में मसरूफ है और भुखले लाखों लाने बैठे हुए हैं। इस वास्ते ये रात ना भोजन बना रही है ना भोजन
जब बाहर रास्ते टैंक के विचार देती है कि आंसू बहाने है को याद कर ले और अपनी रिजा के इनाम पाने की बात है। इस बात से जो जानवैन के शर है उससे बचना है और मस्जिदों को भरना है और मस्जिदों में और तन्हाई में याद रखें एक इज्तिमाई सूरत हाल है और एक तन्हाई अपनी लज्जत है। अपने शाल भर की जिंदगी भर के गुनाहों को याद करके फिर आंख से आंसू करके तो फिर तौबा कबूल हो जाती है। तौबा की बरकत उसको मिलती है। क्या बरकत है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बात खाते हो मेरी या बोल में रह तुम वही कारण से तुम्हार पर जिस मोमिन की आंख से आंसू निकल आए जिस्मानी तरफ की वजह से नहीं हालात के गम की वजह से नहीं सीधे आदत की वजह से रब के डर की वजह से जिसकी आंख से एक आंसू निकल आया साइज कितना हो अगर कि मक्की के शहर नहीं हो लेकिन टपक जाए अगर के मक्की के शादी ना हो आम से टपक के रुखसार पे जाए मेरे महबूब ने सलाम फरमाते रुखसार पे पाप में गिरेगा नामा इमान जाहिर हो जाएगा। इस वास्ते ये खसूसी कोटे की रात इसके अलावा आपको गनीमत जाने तबीयतुल जलाल हम सबको उस लिस्ट में शुमार करवा जिन लोगों को इस रात के आनंद से आजाद किया जाएगा। क्या रहना ये रमजान की नबीज सुनाने वाली बात है रमजान रहमतों बरकतों सादतों का रवीना करीब आ रहा है और रमजान तराही की रौनकों वाला रवीना करीब आ रहा है। कुरान की तिलावत और मस्जिदों के हुजूम का महीना और अंदाज से ज्यादा इनामात की वसूल का महीना करीब आ रहा है। किसे तो आफियत के साथ हम सब उस महीने का इस्तेमाल करें ताकि उसमें रब को मजीद राजी करें और राजी रखें और फिर गुफा में दीन को वो नूर भरे नारायण हो रहे हम फिर एक बार वो मजे से इल्म तकीब सजाए और फिर एक बार काफी कर तो नूर का वो जहान आबाद करें। ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से ही हो सकता है रसूल अल्लाह वसल्लम की निगाहों की नायत से हो सकता है। अल्लाह हम सब को इस अजीम महीने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए।